ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति भुरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के साथ भक्तगण को सत्प्रसंग हो रहा है उनके कमरे में। घनिष्ठ भक्तगण है, महिमाचरण मास्टर महाशय, राखाल किशोर इत्यादि। हम देखे हैं कि महिमाचरण चक्रवर्ती पंडित है एवं साधक है। इतने पंडित एवं इतने साधक होते हुए भी ठाकुर को पहचान नहीं पाया, एक भक्त समझा। ठाकुर भी उनका भ्रम नहीं संशोधन किया, कारण उसको आध्यात्मिक रूप से जैसे वो बढ़ेंगे तब ठाकुर को पहचानेंगे। तो महिमाचरण एक साधारण भक्त नहीं थे, इसको प्रमाण करने के लिए मास्टर महाशय उस दिन का घटना उल्लेख किया है। बातचीत करते करते रात 9 बज गया, ठाकुर अपने कमरे में उनके खटिया पर बैठे हैं, ये लोग सब जमीन में बैठे हैं। तो महिमाचरण अनुरोध किया कभी यहाँ पर एक ब्रह्मचक्र का बंदोबस्त हो जाए। ब्रह्मचक्र मतलब भगवान का नाम ध्यान करेंगे एक चक्र में सर्कुलर बैठते हुए। तो ठाकुर का अनुमति लेकर ब्रह्मचक्र में महिमाचरण खुद स्वयं बैठे हैं, फिर राखाल मास्टर महाशय किशोर इत्यादि। ठाकुर अपने खटिया में बैठे हैं, ही डिड नॉट पार्टिसिपेट, ही वॉज वॉचिंग। तो फिर बैठा के महिमाचरण बताया, अभी आप लोग ध्यान करिए, सब हम लोग ध्यान करेंगे सम्मिलित होकर। कृष्ण पक्ष का तिथि है, अभी चारों ओर अंधेरा है अमावस्या का, अभी पूर्व दिन। अभी जैसे वो ध्यान करने के लिए बोला, साथ साथ राखाल का भाव आ गया, भावस्थ हो गए, अर्थात गंभीर समाधि में डूब गए। हमें याद रखना चाहिए कि राखाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं ईश्वर कोटि है, नित्य सिद्ध है, उनका मन भगवान में ही लगे रहते हैं और भगवान से युक्त नित्य युक्त है और भगवान को काम करने के लिए आए हैं। जैसे अवसर मिला, ध्यान करने का अवसर मिला, साथ साथ एकदम भगवान के साथ तल्लीन हो गए। फिर श्री रामकृष्ण देखा जी तो भावस्थ हो गए, तुरंत उसको स्वाभाविक भूमि में लाने के लिए ठाकुर इस तरह से खटिया से उठकर उनके बगल में बैठ कर उनको छाती को स्पर्श करते हुए उनकी स्वाभाविक अवस्था में उनको बुलाया। तो राखाल उस समय में वो ठाकुर के स्पर्श से, अर्थात उनका कुंडलिनी शक्ति मूलाधार स्वाधिष्ठान मनुपुर अतिक्रम करके अनाहत ध्वनि अचानात चक्र अथवा ऊर्ध्व चक्र में बैठ गए। जब हमारे कुंडलिनी शक्ति हृदय में विराजमान अनाहत चक्र में पहुँचते हैं तब हमारा ईश्वर की अनुभूति होता है, योग शास्त्र में कहते हैं। तब वो अलौकिक दर्शन आदि होता है, ईश्वर के साथ हमारा संस्पर्श हो जाता है। इस शरीर से हम दूसरा आयाम में पहुंच जाते, वी राइज टू डिफरेंट डायमेंशन, चेतन से अति चेतन भूमि में हमारा उन्नीत होता है। तो राखाल का जो प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर का साधन करने का जरूरत है, राखाल को तत्काल हो गया, क्योंकि उनका जैसे ठाकुर कहा करते थे द ड्राई मैच स्टिक, टच करने से जल जाएगा,
एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल हैव वेट मैचस्टिक भींगा हुआ देश लाई का यह है बहुत बार स्ट्राइक करने से चलेगा राकाल को ऐसे नहीं है। तो ठाकुर जी इसके जैसे स्पर्श किया और स्वाभाविक भूमि के लाया। फिर ब्रह्मचक्र के बाद कोई कोई रात को गंगा तट पर टहल रहे हैं, ठाकुर भी बाहर आ गया और मास्टर मशा भी उसके साथ है। ठाकुर कहते हैं चरदी निस्तब्ध है, कृष्ण प्रकाश चतुर्थी चरदी का अंधेरा है, चंद्रमा तो उठा नहीं और गभीर रात्रि है, रात एक बज गया। देखिए जो ठाकुर के पास इन लोग सब जाते थे, ठाकुर इनसे कितने साधन भजन करवाते थे होल नाइट, उल्लेख है गृह भक्तगण, इसे गृह भक्त को लेकर ठाकुर इतना साधन भजन करवाया। और जब वहाँ पर इन लोग टहल रहे हैं गंगा तट पर, ठाकुर कहते हैं नैंगटा कहा करते थे, इस समय में अनाहत ध्वनि सुनाई पड़ता है। नेकेड वन इज टू से एट दिस आवर द अनाहत ध्वनि इज हार्ड। नाउ ये अनाहत ध्वनि क्या है और कैसे उसको सुनाई पड़ता है, सबको तो सुना नहीं पड़ता है, ये थोड़ा समझने की बात है। जो ध्वनि का जो उत्पन्न होता है, ध्वनि का उत्पन्न होता है जो दो जो वस्तु का घर्षण से ध्वनि होता है, स्ट्राइकिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों हाथ में आप ताली लगाइए ध्वनि होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजता है। जब दोनों चीज होगा उसका संघर्ष से शब्द उत्पन्न होता है, इसको कहलाता है आहत ध्वनि। आहत हो गया, स्ट्राइकिंग हो गया। अभी कहा गया है जो सृष्टि का प्रारंभ में क्या था, व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ द सृष्टि, सृष्टि कैसे हुआ। सृष्टि में जो हमारे शक्ति है, एनर्जी है, हम मानते हैं कि एनर्जी एक शक्ति से दूसरा शक्ति से परिवर्तन होता है। से फिजिक्स में कहा गया हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी टू मैग्नेटिज्म, ऐसे करके बदलते रहते हैं। तो अभी जो सृष्टि का प्रारंभ में कौन शक्ति था, ये कहा जाता है ऋषिगण जो आविष्कार किया साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी से बदल के सब कुछ हुआ है। प्रारंभ में ये शब्द शक्ति ध्वनि उत्पन्न हुआ था, ध्वनि से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसलिए हमारे परिभाषा में कहा जाता है ब्रह्म शब्द, शब्द ब्रह्म, ब्रह्म का वाचक है शब्द। एवं वो शब्द क्या है ये भी इन लोग सुना है, वो शब्द है प्रणव ओंकार। इन लोग का कहना है जो ओंकार से ये सृष्टि की उत्पन्न हुआ है, ओंकार ही ब्रह्म है, परमात्मा है, परमात्मा के प्रथम साकार स्वरूप है ध्वनि, वह है ओंकार। उपनिषद में कहा गया है तस्य वाचक प्रणव, प्रणव से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है ओंकार। ये हम जानते हैं कि बाइबल में भी कहते हैं द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द बाइबल, इन द बिगिनिंग इट वॉज द वर्ड, द वर्ड वॉज गॉड एंड द वर्ड वॉज इन गॉड। पहले ईश्वर ये शब्द रूप से प्रतिभात हुआ था और वो शब्द है ओंकार। ऋषिगण वो सुनते हैं, लिखा ही पड़ा है, लिखा है शब्द ये ओंकार सुनाया जाता है। अभी रिसेंटली नासा से अमेरिका से एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था नियर द सन, वो स्पेस क्राफ्ट वहाँ पर नज़दीक में जाके देखें यहाँ से कोई साउंड निकल रहा है, वो भी रिकॉर्ड करके लाया है, वो भी मोबाइल में दिखाई पड़ता है अभी इंटरनेट में, और वो है एग्जैक्टली ओंकार, कंटिन्यूस ही ओम सुनाई जाता है। तो हम लोग जो सोचते हैं कि जो सूर्य से पृथ्वी को उत्पन्न हुआ है, तो सूर्य का इज
इट इज कंटिन्यूसली एमिटिंग द साउंड एनर्जी बिगिनिंग. लेकिन साउंड एनर्जी को अनाहत क्यों कहा जाता है? जब क्रिएशन है ही नहीं, तब तो दो चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है. तो कुछ नहीं है तो साउंड कैसे उत्पन्न हुआ? दो चीज़ नहीं वैसे साउंड नहीं होगा. इसीलिए कहा जाता है वो जो शब्द का वो कोई आहत ध्वनि नहीं है, स्पॉन्टेनियस बिगिनिंग अनाहत ध्वनि, इसको ओंकार कहलाता है. एवं जो महापुरुषगण कहते हैं ओंकार सुनाई पड़ता है. कथा में तो मैं कहा गया जो महानिशा में रात्रि में जब सब कुछ स्तब्ध है तो ओंकार बराबर चल रहा है स्पॉन्टेनियसली, लेकिन उस समय में सब कुछ स्तब्ध होने के बाद कोई निःशब्द है ओंकार स्पष्ट सुनाई पड़ता है महापुरुषगण का. हम लोग जब व्यक्तिगत स्मृति चरण करना चाहूँगा, जो जब बेलमठ में हम ब्रह्मचारी रूप से ज्वाइन किया वहाँ पर स्वामी शांतानंद जी रहा करते थे, बहुत वरिष्ठ सन्यासी है, श्री माँ शारदा देवी के मंत्र शिष्य, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हुए थे, सर्व वरिष्ठ थे, सीनियर मोस्ट माँ के शिष्य है. वो लेटे रहते थे और ब्रह्मचारीगण वचनामृत पाठ करते, कथामृत, और वो सुनते थे, चुपचाप सुनते हैं. हम लोग सब पाठ करते हैं, एक आदमी पाठ करते हैं, हम लोग सुनते हैं. ये प्रसंग आया है, ठाकुर कहते हैं अनाहत ध्वनि वो रात को सुनाई पड़ता है. तो एक ब्रह्मचारी महाराज जो शांतानंद जी पूछा, महाराज ये जो कथामृत में से लिखा हुआ है अनाहत ध्वनि, ये सब क्या सचमुच सुनाई पड़ता है? पूछा है उनको, कोई हम लोग तो सुनाई नहीं पड़ता है. तो उन्होंने चुपचाप बताया स्टेडीली, हमें तो सब समय ही सुनी, आई एम हियरिंग दैट साउंड ऑल द टाइम डे एंड नाइट. इसी उच्च अवस्था में वो आसीन थे कि मन इतना उच्च अवस्था में थे तो बराबर वो अनाहत ध्वनि उनको सुनाई पड़ रहा है. लेकिन साधारण अवस्था में सुनाई नहीं पड़ती इतना शोरगुल में. इसे ठाकुर कहते हैं कि जो तोतापुरी जी कहा करते थे कि रात्रि में जब गभीर रात्रि होता है, सब कुछ स्तब्ध हो जाता है, तब अनाहत ध्वनि का शब्द स्पष्ट होता है. तो आहत से नहीं हुआ, वो शब्द धीरे धीरे पूरा सृष्टि को परिवर्तन किया. स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ये जो शब्द है जब इसका वो विवरण दिया है, लाइक पील्स ऑफ बेल इन ए डिस्टेंट चर्च, समझी ने उल्लेख किया है, जैसे बहुत दूर में एक चर्च है और उसमें घंटा डोंग डोंग करके बूझ रहा है, तो कंटिन्यूअस एक ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, एक घंटा नहीं अनेक घंटा का, बहुत दूर से वो शब्द जो आर एस जैसे होता है वही शब्द ब्रह्म का स्वरूप है. और कहते हैं जब मन शांत हो जाता है, मन जब चेतन भूमि अतिक्रम करके अतिचेतन अवस्था में पहुँचते हैं, तब मन में ऐसी अवस्था होता है जो ये जो शब्द है वो सुनाई पड़ता है. इसे तोतापुरी जी का है. और वो शब्द सुनने से मन प्राण भरपूर हो जाता, कारण ये ईश्वर के एक प्रकाश है. परमात्मा तो निराकार है, निराकार का प्रथम प्रकाश ये साकार, ये साकार रूप से तब ये ब्रह्म के साथ उनका अनुभूति होता है. ये ठाकुर अपना अनुभूति भक्तगण को बता रहे हैं ताकि भक्तगण भी वो अनुभूति अपने जीवन में प्राप्त कर सके. अभी ये जो शब्द ब्रह्म का बात है, ये हम लोग देखे हैं कि योगीगण ये शब्द ब्रह्म का अनुभव करते हैं, इसको चर्चा भी हम लोग किए हैं, भगवद गीता में भी इसको चर्चा है. तो उसका भी थोड़ा बहुत विस्तार शब्द ब्रह्म का क्या होता है हम अगले दिन करेंगे. ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु.
आज शनिवार का अवसर है, फिर शाम को संध्या के उपरांत काली कीर्तन होगी। शनिवार मधुवार कहलाता है, यहाँ पर देवी जी के विशेष प्रकाश काली कीर्तन का लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है, एक साथ काली कीर्तन करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।